नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे 11 जून से लेकर 17 जून तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक, ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक और ज्योतिष के मुताबिक। ग्रहों की चाल बताने के लिए, आपकी 12 राशियों का हाल बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। राशियों का हाल तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि बीज वपन का मुहूर्त क्या होगा, बीज बोने का शुभ मुहूर्त क्या होगा किसानों के लिए इस सप्ताह, वो भी बताएंगे, लेंगे आपके सवाल भी। लेकिन सबसे पहले बात पहली राशि मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल बताएं। मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में नवम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो नवम का चंद्रमा जहां भाग्य की उन्नति देता है, वहीं पे शनि की स्थिति कहीं न कहीं आपके पिता के लिए ठीक नहीं है, मतलब पिता का स्वास्थ्य इस सप्ताह खराब हो सकता है। दूसरी बात, यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक करके करें, अभी स्थिति ठीक नहीं है, यात्रा से बहुत लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, तो वैसे तो आप विवेकशील पुरुष हैं, आप अपने विवेक से ही सारा कार्य करते हैं, लेकिन सप्ताह में रविवार सोमवार के बीच में कभी एक ऐसा समय आ सकता है जब आप अपना विवेक खो दें, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई जो कि पक्षी पालन के पेशे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह सप्ताह काफ़ी ठीक रहने वाला है, अच्छा रहेगा, आर्थिक रूप से संतुष्टिदायक समय है। शुभ अंक इस सप्ताह मेष राशि वालों का है 9 और शुभ रंग आपका है सुनहरा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको यथेष्ट लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वालों का शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। अगली राशि की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप में से कोई दर्शक ऐसे हैं जो पंडित जी से इस कार्यक्रम में सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको बताना होगा जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, साथ में नाम और लिखना होगा अपना सवाल। याद रहे, तीनों चीज़ें जब आप हमें भेजेंगे, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, तभी आपके सवाल का सटीक जवाब मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएं। वृषभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस समय अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ राशि वालों के लिए कतई ठीक समय नहीं है। इनका कुछ पैसा स्वास्थ्य को ठीक रखने में जा सकता है, खर्च हो सकता है, एक बात। लेकिन वहीं वृषभ राशि के वो लोग जो मेडिकल के पेशे से जुड़े हैं, चिकित्सक हैं या मेडिकल की स्टोर खोल रखे हैं, उनके लिए यह समय खासा अच्छा है। इनकी अच्छी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह रहेगी, यदि आप डॉक्टर हैं या औषधि का काम करते हैं। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई जो औषधि या खेती करते हैं, अश्वगंधा खेती करते हैं, सर्पगंधा बोते हैं, मुसली काम करते हैं, इन सब चीज़ों की फसलों की आप जो खेती करते हैं, इन तमाम फसलों से आपको लाभ होने के पूर्ण संकेत दिखाई दे रहे हैं। रही बात शुभ अंक की सप्ताह आपका है 8 और शुभ रंग आपका है आसमानी। इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों का शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपका आसमानी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे 11 जून से लेकर 17 जून तक? मिथुन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि यह सप्ताह मिथुन राशि के जीवन साथी के लिए नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जीवन साथी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बेचैन रहने वाला है और उसको लेकर के इनके मन में भी नाराजगी हो सकती है, या यूँ कहें आपसी कलह के कारण जो है पूरा पारिवारिक ताना बाना जो है वह ध्वस्त होने के कगार पे खड़ा है। तो कृपा करके अपनी बुद्धि को संयमित रखें, अपने जीवन साथी को समझें और अपने जीवन साथी का साथ दें। रही बात व्यापारियों की, तो व्यापारिक इस समय अपने नए अनुबंधों को करने से पहले दो बार सोच लें, इस समय किए गए अनुबंध आपके लिए कतई लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस सप्ताह थोड़ा पशुओं के प्रति सावधान रहें, जो दूध देने वाले पशु हैं गाय भैंस, इनसे आपको कष्ट मिल सकता है या यूं कहें आपको परेशान कर सकते हैं, उनके ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। रही बात शुभ अंक की, इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 7 और शुभ रंग आपका होने वाला है सफ़ेद। दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
तो मिथुन राशि वालों का शुभ अंक है 7 और शुभ रंग आपका है आसमानी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम में कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो जिस स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर अपने डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको देनी होंगी हमें जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, नाम और सवाल के साथ आप हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि का पूरा सप्ताह कैसा बीतेगा? कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि छठे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, कहीं न कहीं यह स्थिति आपके विरोधियों के लिए अच्छी है और आपके लिए खराब है। मतलब आपके विरोधी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए कहीं जाने से पहले, कुछ करने से पहले 100 बार विचार कर लें। कुल मिलाकर के इस सप्ताह अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात, जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारिक वर्ग भी इस सप्ताह अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन गुरुवार के बाद, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जो 3 दिन होंगे सप्ताह के मध्य से लेकर अंत तक, ये आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ सिद्ध होंगे। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस सप्ताह थोड़ी सी अपने जमीन की उर्वरा शक्ति की एक बार जरूर जांच करा लें, क्योंकि जो संकेत दिखाई दे रहे हैं शनि और चंद्रमा की युति कारण विषयोग का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि इस समय आपकी जमीन, आपकी मिट्टी आपका साथ नहीं देगी, तो उसे आप एक बार जांच करा लें, उसके बाद ही नई फसल की योजना बनाएं, उस पर कार्रवाई करें। शुभ अंक आपका है 6 और शुभ रंग आपका है गुलाबी। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो शुभ अंक आपका है 6 और शुभ रंग आपका है गुलाबी। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे बाकी बची राशियों का हाल, आपके सवाल भी लेंगे और किसानों के लिए होगी एक विशेष चीज, वो होगी बीज वपन का मुहूर्त। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, देखते रहिए कृषि और नक्षत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि का राशिफल भी बताएं। सिंह राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह आपके पंचम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, कहीं न कहीं यह स्थिति उन लोगों के लिए काफी अच्छी होगी जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खास करके ऐसे लोग जो इस समय फूड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फूड सप्लाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोग इस समय काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। उनके लिए काफ़ी अच्छा समय, काफ़ी बेहतर सकारात्मक परिणाम मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, संतान पक्ष आपको परेशान कर सकता है, आपके किसी संतान को, खास करके जो आपकी बड़ी संतान है उससे आप परेशान हो सकते हैं, उसको कोई स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है या उसके व्यवहार से आपके मन में असंतोष उत्पन्न हो। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए यह सप्ताह वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जल की समस्या आपको हो सकती है, आपकी फसलों तक अभी पानी नहीं पहुँचा है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, शुक्रवार शनिवार के बाद ही आपकी समस्या दूर हो पाएगी। शुभ अंक इस सप्ताह आपका है 5 और शुभ रंग आपका है हरा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों का शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपका हरा है। अगली राशि की चर्चा करें उससे पहले अपने दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है अजीत कुमार जी का लातूर से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1971 जी। समय है सुबह 9:30 बजे का जी। और स्थान है जन्म का इनका लातूर, महाराष्ट्र का जी। इनका सवाल है कि इनके पास नौकरी नहीं है, कब तक मिलेगी और इनका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, इनकी समस्या का समाधान होने का समय आ गया है, बहुत जल्द निकट भविष्य में, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन 25 दिन के अंदर इनकी नौकरी लगने के पूरे योग बने हुए हैं। इन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और जो नौकरी इनकी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी भी, मतलब इनके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। उच्च के मंगल की महाशा चल रही है जो कि चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो माता पक्ष, मामा पक्ष, ये इनके लिए काफ़ी हितकर सिद्ध होंगे और इस समय नौकरी भी इनको अच्छी मिलेगी, क्योंकि 7वीं पूर्ण दृष्टि मंगल की दशम भाव पे पड़ रही है। इसलिए आप परेशान न हो, निराश न हो, आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन या 30 दिन इसके अंदर आपकी ये नौकरी मिल जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
तो उम्मीद करते हैं अजीत जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे 11 जून से लेकर 17 जून तक? कन्या राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में रविवार और सोमवार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, शनि के साथ है, इसलिए ऐसे में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मति गति ठीक न हो, वह आपको बिना वजह किसी बात पे अपमानित कर सकता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचें और ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, कम बात करें। दूसरी बात, वाहन भी आपको सावधानी से चलाना है। वाहन खरीदने या बेचने का निर्णय इस सप्ताह कतई न करें, इसे आप टाल दें। नेक्स्ट वीक जब आपका अच्छा समय आएगा फिर आप ये निर्णय लें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता दिखाई देगी। हाँ, एक बात जरूर इस सप्ताह अच्छी है आपके लिए, वो ये है कि यदि आपकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है तो उसके पूरे योग बने हुए हैं, आपके रोजगार के सृजन का समय आ चुका है। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई जो डेयरी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। दुग्ध व्यापार से आपको अच्छा मुनाफा इस सप्ताह मिलेगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 4 और शुभ रंग आपका है आसमानी। इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कन्या राशि वालों का शुभ अंक 4 है, शुभ रंग आपका आसमानी है। अगली राशि की चर्चा करें, उससे पहले अपने किसानों के लिए विशेष चीज, बीज वपन का मुहूर्त। बीज बोने का शुभ मुहूर्त क्या होगा इस सप्ताह, आइए वो भी जान लेते हैं। पंडित जी, इस सप्ताह किसान अगर कोई बीज बोने जा रहे हैं, किसी फसल की बुआई करने जा रहे हैं, तो इस सप्ताह क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? इस सप्ताह यदि आप कोई नई फसल की योजना कर रहे हैं, नई फसल बोना चाहते हैं, तो उसके लिए 12 जून 2017 की जो तारीख है, उत्तराषाढ़ का जो नक्षत्र है, यह सब प्रकार के लाभ को देने वाला दिन सिद्ध होगा। इसलिए आप अपने नई फसल की योजना जो है 12 जून 2017 को ही करें और उसी दिन आप जो है पहला बीज खेत में डालें, तो निश्चित रूप से यह फसल आपको सब प्रकार से लाभ देने वाली होगी। बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जब मुहूर्त से कोई काम किया जाता है तो उसमें नुकसान की संभावना रंच मात्र रह जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। तो आपको सब प्रकार से लाभ देने वाला यह मुहूर्त है 12 जून 2017 उत्तराषाढ़ का नक्षत्र, इसका आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इस सप्ताह किसानों के लिए जो शुभ दिन है वो है 12 जून का दिन। अगर आप बुआई करने जा रहे हैं किसी फसल की, तो 12 जून के दिन अगर आप ये बुआई करेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 17 जून तक? तुला राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में रविवार 11 जून के दिन चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। यह कहीं न कहीं प्रयासों की अधिकता को प्रदान करता है, मतलब एक बार में नहीं दूसरी बार में कोई चीज़ आपको प्राप्त होगी। इसलिए अगर एक बार प्रयास करने आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो सेकेंड प्रयास करें, तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, यह निश्चित है। दूसरी बात यहाँ देखने वाली यह है कि मंगल और चंद्रमा की युति बन रही है, दृष्टि संबंध बन रहा है, इसलिए इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। कहीं से आपको निधि मिलेगी, धन मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, कुल मिलाकर के आपकी अचल संपत्ति में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप प्रयास करते जाएं, संपत्ति आपकी बढ़ती जाएगी। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए इस सप्ताह भूमि का लाभ दिखाई दे रहा है। कहीं किसी प्रकार की जमीन जायदाद, इस तरह की जो कृषि योग्य भूमि है, वह तुला राशि के किसान भाइयों को मिलने जा रही है, इसलिए यह समय आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं शुभ अंक की। इस सप्ताह तुला राशि के लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है पीला, इसलिए इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। बिना रुके जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल भी। पंडित जी, वृश्चिक राशि का राशिफल भी बताएं। वृश्चिक राशि के दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह इनके द्वितीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। यह स्थिति वाणी पे संयम रखने की होती है, परिवार में समझदारी से काम लेने की होती है। कहीं न कहीं परिवार के जन, अपने काफ़ी अंतर मन संबंध के लोगों से आपकी कटुता इस सप्ताह बढ़ सकती है, जिससे आपके काफ़ी आंतरिक संबंध है, इसलिए आपसे समझदारी की उम्मीद की जा सकती है। किसी भी बात का तुरंत पलट के जवाब न दें, थोड़ा संयम रखें, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन गुरुवार शुक्रवार शनिवार के मतलब सप्ताह के दूसरे भाग में वह आर्थिक स्थिति पुनः ढर्रे पे आ जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। चंद्रमा की पूरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है द्वितीय भाव से, इसलिए विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय कहीं ना कहीं ठीक है, उनके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। इस सप्ताह किसान भाई बहुत कुछ उपलब्धि तो नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सामान्य दैनिक दिनचर्या का जीवन आप बिता सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की खलल नहीं दिखाई दे रही है। शुभ अंक आपके लिए है 2 और शुभ रंग आपके लिए है सफेद। इन दोनों चीजों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका सफेद है। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे बाकी बची 4 राशियों का हाल भी, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, देखते रहिए कृषि और नक्षत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 11 जून से लेकर 17 जून तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक, ग्रहों की चाल के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी धनु राशि का राशिफल भी बताएं। धनु राशि के लिए यह सप्ताह मानसिक बेचैनी देने वाला है। लग्न में चंद्रमा जरूर है, यह मानसिक प्रसन्नता तो देता है, लेकिन शनि की युति या कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी में बदल देता है मानसिक शांति को। इसलिए मन को शांत रखें और काफ़ी शांति रखने के बाद ही कोई निर्णय लें, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। चंद्रमा की पूरी दृष्टि सप्तम भाव पड़ रही है, जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से लेकर के आपको तनाव दिखाई दे रहा है। तो जीवन साथी के किसी बात पे बहुत नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखें, जब समय बदलेगा तो वह भी स्थिति ठीक हो जाएगी। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए ऐसे किसान भाई जो धान की फसल में योजना कर रहे हैं, उनके लिए समय बिल्कुल ठीक है। धान की फसल की बुआई करें, बीज का आरोपण करें, निश्चित रूप से यह फसल आपको भविष्य में लाभ देने वाली सिद्ध होगी। तो शुभ अंक आपका 1 है और शुभ रंग आपका है लाल। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो धनु राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर राशि की भी। पंडित जी मकर राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 17 जून तक? मकर राशि के लिए यह सप्ताह खर्चों से भरा हुआ है, मतलब आपको व्यय अधिक करना पड़ेगा, लाभ कम है, खर्चे अधिक हैं, लायबिलिटीज निर्वाहन करने में धन की अधिकता रहेगी, तो इस चीज़ का आप सामना करें, संयम से काम लें और जो जरूरत सामने आ रही उसके ऊपर धन खर्च करने में बिल्कुल हिचक ना करें, क्योंकि जैसे जाता है वैसे आता भी है। व्यापार में जरूर तरक्की करेंगे, व्यापारिक यात्राएं भी सफल होंगी और भाई बंधु भी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे आपके व्यापार में प्रगति के पथ पे लाने के लिए। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस सप्ताह जो मसालों की खेती करते हैं उनके लिए यह सप्ताह काफ़ी ठीक रहने वाला है, मसालों से आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 3 और शुभ रंग आपके होने वाला है सुनहरा। तो मकर राशि वालों के लिए शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। कुंभ और मीन राशि की बात करें उससे पहले अपने एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास दिल्ली से सवाल आया है प्रियंका जी का। इनके जन्म की तारीख है 5 मई 1989 और जन्म का स्थान है इनका दिल्ली का। समय है 4 बजे शाम का। ये अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहती हैं, माँ के स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहती हैं, माँ भी इनकी बहुत अस्वस्थ रहती हैं। देखिए स्वास्थ्य तो इनका जरूर खराब रहेगा, क्योंकि छठे भाव में राहु है, तो पैर में दर्द की शिकायत, पेट में रोग, ये बीमारी इनको जरूर परेशान कर सकती है। चूँकि चंद्रमा भी अष्टम भाव में है और ये एक महिला है, इसलिए हार्मोनल बीमारी भी इनको हो सकती है, मतलब हार्मोन संबंधित जैसे डायबिटीज हुई या थायराइड हुई, इस तरह से हार्मोन अनबैलेंस होने से कोई बीमारी के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनका जीवन दीर्घायु है, ये सुरक्षित रहेंगी, रोग इनका कुछ भी बिगाड़
नहीं पाएंगे। रही बात इनके माता की, तो माता को जरूर कुछ ऐसे रोग की संभावना दिखाई दे रही है कि जो दवाओं से नियंत्रित हो सकते हैं लेकिन ठीक एकदम से होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए उनका उपचार करें, उनका ख्याल रखें, तो वो निश्चित रूप से उनका पूर्ण सुख आपको रहेगा और जीवन में काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ वो दे पाएंगी। उनका ख्याल रखें, शिव जी की उपासना जरूर करते रहें, ये आपके लिए और आपके माता के स्वास्थ्य के लिए दोनों लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके लिए हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। इसलिए जैसे भी संभव हो भगवान भोलेनाथ की आप उपासना करें, पूजा करें। तो उम्मीद करते हैं प्रियंका जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और समस्या का समाधान आपको पंडित जी ने बता दिया है। अगर आप उपाय करेंगी तो आपको समस्या में थोड़ी निजात जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक? कुंभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि जहां एकादश भाव में चंद्रमा और शनि की युति आपके आर्थिक लाभ को कम करेगी, वहीं पंचम भाव में मंगल की स्थिति और मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि यह पैतृक संपत्ति के योग को दर्शाता है। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई संपत्ति आपको मिल सकती है जो आपके पूर्वजों द्वारा बनाई गई हो। इस सप्ताह ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। प्रॉपर्टी से आपको अच्छा बेनिफिट होगा। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई थोड़ा सावधानी बरतें, सावधानी अपने पशुओं को लेकर के। ऐसे पशु जो दूध देते हैं उनके लिए आपको विशेष चिंता रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, उनका ख्याल रखें, निश्चित रूप से आपका नुकसान कम से कम होगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 2 और शुभ रंग आपका है दूधिया। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका दूधिया है। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की भी। पंडित जी, मीन राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है 11 जून से लेकर 17 जून तक? मीन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि चतुर्थ भाव में मंगल गोचर कर रहा है और वह सप्तम भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं घर में मांगलिक उत्सव का माहौल बना हुआ है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है इस सप्ताह, एक बात। दूसरी बात, वही मंगल पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को भी देख रहा है जो आपकी नई नौकरी का संकेत बनाता है। पिता से आपको काफ़ी प्रेम मिलेगा, उनसे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस सप्ताह। रही हमारे किसान भाइयों की बात, तो किसान भाइयों की भी तो हर प्रकार से अच्छा अच्छा है, सब प्रकार से शुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। मतलब ऐसे लोग जो मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं किसान भाई, उनके लिए यह मीन राशि का यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक है इस सप्ताह 1 और शुभ रंग है आपके लिए मैरून। तो मीन राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका मैरून है। 12 राशियों का ये सप्ताह कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 17 जून तक ग्रहों की चाल के मुताबिक पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी, आपका भी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी, बीज बपन का मुहूर्त भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते। नमस्ते।